तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप स्नैपचैट में कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं, यानी कोई भी फ़ोटो आप स्नैपचैट से जाते हैं और जैसे ही खींच कर आप सेव भी कर देते हैं, फिर भी आपका जो ये वाला फ़ोटो है ये आपके गैलरी में सेव नहीं होता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्नैपचैट के फ़ोटो को अपने मोबाइल के गैलरी में ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने स्नैपचैट को ओपन करना है। अपने स्नैपचैट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर जो कोने के साइड में जो यहाँ पे मैन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप अपने प्रोफाइल पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर जो आपको कोने के साइड में सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके अकाउंट का पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसी वाले इंटरफेस को आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल करते हुए आप इस वाले इंटरफेस पे आएंगे, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो मेमोरीज का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको क्या करना है, इस मेमोरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मेमोरीज पे क्लिक करते हैं आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव बटन का जो ऑप्शन है इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप जो फोटो क्लिक करेंगे वो सिर्फ आपके स्नैपचैट में ही रह जाएगा, और अगर आप इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका फोटो आपके गैलरी में देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने स्नैपचैट की फ़ोटो को अपने गैलरी में लाने के लिए सिंपली आपको इस सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से अब बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरीज एंड कैमरा रोल का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम आपको बैक करके एक फ़ोटो खींचकर दिखाते हैं कि आखिर हमारा स्नैपचैट का जो फ़ोटो है वो गैलरी में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ से बैक आने के बाद यहाँ पे चलिए हम आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से चलिए हम बैक आ जाते हैं। जैसे ही बैक आते हैं उसके बाद हम अपने गैलरी को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही गैलरी को ओपन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वो वाला फ़ोटो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने स्नैपचैट के फ़ोटोज़ को अपने मोबाइल के गैलरी में ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।